नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। हरियाणा के अंदर एक जो है और भर्ती जो है आ चुकी है, और ये सीधी भर्ती है, डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू होंगे, कोई आपका इसमें रिटर्न एग्जाम या कुछ और तरीके के प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको सिर्फ आवेदन करना है और डायरेक्ट इसमें आपके इंटरव्यू होंगे। तो हरियाणा के अंदर कहाँ पर वैकेंसी आई है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और कब से कब तक आपके इंटरव्यू होंगे, डिटेल्स आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अंदर हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हरसैक में आई सीधी भर्ती। पूरी डिटेल क्या इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले फिर आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि भाई 3 जनवरी को स्पेशल क्लास रहेगी आपकी HSSC एग्जाम्स के लिए, मैराथन क्लास रहेगी मैथ की, न्यू पैटर्न पर और एडवांस मैथ की क्लास रहेगी। जो भाई इच्छुक हैं इसके लिए वो 3 बजे शाम को हमारे साथ जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को आपको प्यार देना, सपोर्ट देना। विपिन सर आ रहे हैं, जिससे विपिन सर प्रभावित हो गए, आगे भी आपके लिए ऐसी क्लास लेकर आते रहें। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा जीके के लिए भी आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है क्लास को लेकर। तो चलिए मैं आपको अभी ये जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो ये वैकेंसीज आई हैं हरियाणा स्पेस के अंदर, वो उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हरसा के अंदर ये वैकेंसी आई हैं, और जो पोस्ट का नाम है वो रिसर्च एसोसिएट RA1, RA3 और RA3, जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट JPA, रिसर्च एसोसिएट RA1, जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट JPA। दोस्तों, इनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो किसी में एक है, किसी में आठ है, किसी में छः हैं, किसी में एक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये दोस्तों वैकेंसी हैं। अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, अगर मैं बात करूँ रिसर्च एसोसिएट RA1, इसमें एक पोस्ट है फर्स्ट क्लास MSc M.Tech इसमें मांगी गई है। अगर मैं बात करूँ रिसर्च एसोसिएट RA3 की, सीरियल नंबर 2, इसमें टोटल 8 पोस्ट, इसमें PhD मांगी गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिसर्च एसोसिएट RA3 सीरियल नंबर 3, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6, PhD इन रिमोट सेंसिंग मांगी गई है। अगर मैं बात करूँ रिसर्च एसोसिएट RA1 सीरियल नंबर 5, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, डॉक्टरेट और इक्विवेलेंट डिग्री इन जियो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिक्स मांगी गई है। अगर मैं बात करूँ जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, या फिर बात करूँ जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, एक में 6 पोस्ट है, एक में 1 पोस्ट है, ITI मांगी गई इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, या फिर ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, विद 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू देने जाना है, कहाँ पर, हिसार के अंदर, 11 जनवरी को 10:30 बजे राइट पहुँचना। 200 रुपये का आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा जो वैकेंसी आई हैं आपकी, प्रोजेक्ट फेलो की 13 हैं, प्रोजेक्ट फेलो की PF 8 वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट फेलो PF 5 है, क्वालिफिकेशन इसमें अलग अलग हैं, प्रोजेक्ट फेलो की 1 है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की आपकी 1 है, प्रोजेक्ट फेलो 1 है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 1 है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी हैं, डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू होगा, कब होगा वो भी आपको बता दिया है। ये आपका परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आप प्रिंट आउट करके इसे भर के 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आपको करना क्या है दोस्तों, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको जाना है 11 जनवरी को 10 बजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना। इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल MD2 Reader Publication। थैंक यू वेरी